वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए हैं विकासपुरी के देसू पार्क में, यहाँ पे रश्मि जी से मिलने, जो अपनी अकेली सैलरी के दम पर यहाँ के सारे स्ट्रीट डॉग्स को डिनर कराती हैं और मॉर्निंग में उनको ब्रेकफास्ट भी देती हैं। मैम, आपका नाम? सर रश्मि। आप बाय प्रोफेशन क्या करते हैं? सर मैं एक इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन में इन हाउस आईटी में हूँ। ये कहाँ से इंस्पिरेशन मिली आपको ये सब कुछ करने के लिए? सर मुझे 15 इयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं डॉग्स को फीड करते हुए। मैंने अपना फर्स्ट डॉग जो है ऑलमोस्ट 18 इयर्स पहले लिया था, जो मैंने परचेज किया था वो एक फर्स्ट एडिशन था मेरी फैमिली में। उसके बाद मेरे एडिशन्स होते गए, मैंने एक टाइम पे अपने घर में 5 डॉग्स भी रखे हुए हैं और 40 वाली फैमिली तो आप अभी देख ही रहे हो मेरी। मैम, आप दिन में कितनी बार इनको विजिट करते हैं यहाँ पे? सर 2 बारी, एक बार मॉर्निंग में एक बार इवनिंग में। और ये जो आपको टोटल टाइम लगता है यहाँ पे मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी, कितना टाइम लगता है आपको? सर दोनों को मिला के एटलीस्ट 3-3.5 आवर्स मेरे डेली के लगते हैं। 3 घंटे? 3 घंटे से ऊपर ही लगते हैं, कम नहीं लगते हैं। मैम, जब आप मींस ऑफिस से लेट आ रहे हैं, रेनी सीजन है या फिर आप किसी वेडिंग में हैं या फिर क्या वोकेशन पे गए हुए हैं, तो इन सब की देखभाल कौन करता है, या आप उस टाइम भी आते हैं? सर उन केसेस में या तो मैं, अगर कुछ पहले से प्लान्ड है उसमें, या तो मैं जल्दी आ जाती हूँ या फिर मैं लेट आती हूँ। तो अगर मैं दिल्ली में हूँ, विद इन दिल्ली हूँ, तो पूरी कोशिश करती हूँ कि खाना मिस ना हो। और अब अगर आप बाहर हैं तो? सर बाहर हैं तो एक दो वॉलंटियर्स और हैं मेरे एरिया में, उनसे मैं रिक्वेस्ट कर देती हूँ तो वो आके वो लोग खाना कर लेते हैं। मैम, डॉग्स के अलावा कोई मीन, सिर्फ डॉग्स की ही आप टेक केयर करते हैं, इनके अलावा कुछ और भी हैं? सर एक्चुअली मेरा इंटेंशन एनिमल रेस्क्यू पे रहता है, तो मेरे एरिया में एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है और उस व्हाट्सएप ग्रुप में अदर देन डॉग्स ऑल्सो अगर कोई ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं तो आई हैव अ स्मॉल शेल्टर रनिंग इन उत्तम नगर हस्ताल में, मदन उनको चलाते हैं उस शेल्टर को, और क्योंकि उनके पास एम्बुलेंस है तो हम वो एम्बुलेंस अरेंज करके जहाँ पे भी कोई एनिमल की रिपोर्ट आती है हम वहाँ से उस डॉग को पिकअप करवा के या एनिमल को पिकअप करवा के, मोस्टली या तो संजय गांधी हम उनको भिजवाते हैं या सोनादी भिजवाते हैं, या अगर कोई ऐसा डॉग है जिसको और कोई स्पेशल नीड है तो हम उस टाइम पे देखते हैं कौन सा डॉक्टर अवेलेबल है या कौन से हॉस्पिटल में जगह अवेलेबल है, हम वहाँ पे उनको छोड़ के आते हैं। मैम, जो भी ये आप फीडिंग का सामान लेके आते हैं, इसके अंदर जो आपका एक्सपेंस होता है, इसकी कहीं से आप फंडिंग करते हैं, आपका कोई एनजीओ है या फिर सर आप सिर्फ अपनी सैलरी से कर रहे हैं सब कुछ? सर मेजरली जो मॉर्निंग और इवनिंग का इनका खाना होता है वो मेरी अपनी सैलरी से होता है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास बहुत सारे केसेस जब रिपोर्ट होते हैं उनमें जहाँ पे भी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सर्जरीज होते हैं, टेस्ट होते हैं, एक्सरेज होते हैं, वहाँ पे जब हमारी एक लिमिट एक्सीड हो रही होती है वहाँ पे हम फंड्स रेज करते हैं। मैं स्पेशली आई रीच आउट टू माई फ्रेंड्स एंड ऑल माई कलीग्स और वी डोंट आस्क फॉर एनी स्पेसिफिक अमाउंट। हमारे लिए 10 रुपीज़ भी बहुत मैटर करता है और हमारे लिए 5,000 रुपीज़ भी बहुत मैटर करता है। मैम, जो भी अगर मान लो कोई आपको अपनी तरफ से कुछ फंड देना चाहे या कोई चाहे कि वो उसका भी कोई कंट्रीब्यूशन रहे इस सारे काम के अंदर, तो वो आपको कैसे कॉन्टैक्ट करे, कोई आपका कॉन्टैक्ट? सर वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन में, आप नीचे मेरा ऐड कर सकते हैं, rashmeen.sahani@gmail.com, डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। लेकिन ये जो आप वीडियो बना रहे हैं, यू वांटेड टू नो कि मतलब मैं डेली यहाँ पे क्या कर रही होती हूँ और मेरा क्या इंटेंशन होता है, मैं कैसे डॉग्स को सर्व कर रही हूँ, बट ये वीडियो कोई भी फंड रेजिंग के लिए नहीं है। मैं किसी से कोई डोनेशन की अपील नहीं कर रही हूँ, कोई फ़ंड की अपील नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर कोई भी अपने लिए अपनी मर्ज़ी से कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहता है, दे कैन रीच आउट टू मी वाया ईमेल। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट, दिस इज़ माई ओन विल दैट आई एम डूइंग फॉर डॉग्स। सो अगर कोई मेरे पास इस इंटेंशन से आएगा कि मैं आपको एक एक्स अमाउंट पे करूंगा और आप मुझे इतने की रसीद काट के दे दो, आई एम सॉरी। मैम, आप डेली बेसिस पे यहाँ पे आते हैं, डेली बेसिस पे इनको फीड करते हैं, ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलता है और आपको कैसा लगता है इनको फीड करने के बाद? अमित जी, आप मैरिड हैं? जी बिल्कुल। आपके बच्चे भी हैं? बिल्कुल।
आप जब अपनी जॉब से या बिजनेस से घर आते हैं, आपको कैसा एक फीलिंग आती है उनको देख के? बहुत अच्छा लगता है उनको देख के। सर, मुझे एग्जैक्टली उसी तरह से फीलिंग आती है जब मैं डेली बेसिस पे आती हूँ। आपने देखा कि किस तरह से वो मुझे वेलकम करते हैं। मेरे गेट पे ऑलमोस्ट 10-15 डॉग्स खड़े हो जाते हैं। मैं इस पूरे ग्राउंड में ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा मैं खाना सर्व करती हूँ और वो मुझे फॉलो करते हैं। मुझे एक मिनट के लिए भी ऐसे नहीं लगता कि मेरी फैमिली से हटके कोई है। मुझे एग्जैक्टली वही फील आती है, वही कंटेंटमेंट मिलती है जो किसी को भी घर जाने के बाद अपने फैमिली मेम्बर्स को देख के मिलती है। हाँ, ये हमने भी देखा कि आपने कहीं भी जल्दबाजी नहीं की, डाल के चले गए। जब तक उसने प्रॉपर वे में उसको खा नहीं लिया, जब तक आप वहाँ से आए ही नहीं, उसको अच्छी तरह फीड किया, उसके बाद आप आए। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच।